खबर रामनगरी अयोध्या जिले से है, जहां किसानों की समस्या को लेकर सपा नेता और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में किसानों की दशा दयनीय हो गई है। दरअसल अयोध्या में सपा नेता और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में किसानों की फसलों को आवारा पशु खा रहे हैं और किसान दिन प्रतिदिन आवारा पशुओं के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इन बातों का किसी को कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विभिन्न समस्याओं को लेकर 26 अक्टूबर को गांधी पार्क में सत्याग्रह करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों की पशुओं की वजह से मौत हुई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते समाज का हर वर्ग पीड़ित है, दुखित है, परेशान है, किसान ज्यादा है, इसलिए कि किसानों का सारा खेती के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज खेती पर हमला सांडों का हो रहा है। सांड खेती खा रहे हैं और जान भी ले रहे हैं, और यही सब बात को लेकर है। और इसी बात को लेकर यो तो लगातार इस समस्या को लेकर लगातार हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन ये बेअसर हो रहा है। इसलिए हमने निश्चय किया है फैजाबाद मुख्यालय पर गांधी पार्क, महात्मा गांधी पार्क जो बना है फैजाबाद में त्रिगुनिया पार्क के नाम से, वहां पर हम सत्याग्रह करेंगे और 26 तारीख को। और मैं मांग करता हूँ जितने मृतक हुए हैं ये 10-10 लाख रुपए उनके परिवारजनों को किया है।